हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ड्राइंग करूंगा एमएस धोनी का। तुम देख सकते हो आउटलाइन मैंने ड्राइंग कर लिया। आउटलाइन बहुत डिफिकल्ट होता है शेडिंग के बदले में, वो ज़्यादा टाइम लगा के करना पड़ता है, बोरिंग टाइप का होता है, रिजल्ट से बार बार मूझना पड़ता है, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है। आज इस ड्राइंग में मैं शेडिंग करना सिखाऊंगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, जितना भी जानता हूँ उतना सीखने की कोशिश करूँगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखना, समझ में आ जाएगा कैसे शेडिंग करता है। चाहे स्किन में हो, चाहे कोई भी चीज़ में हो, जैसे कि मैं कैप में ड्राइंग करता हूँ कर रहा हूँ, पहले हल्का वाला पेंसिल यानी कि 2H का पेंसिल भी होगा, HB का पेंसिल भी होगा, ऐसा हल्का वाला पेंसिल, ज़्यादा डार्क नहीं, ऐसा लाइट का पोजीशन में यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद उससे ज़्यादा डार्क 2B हो गया, 3B हो गया, कोई भी आपका जैसा लाइट है वैसा ऑब्जर्व करके पेंसिल का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं पहले 2H का पेंसिल यूज़ किया था, उसके बाद 3B का पेंसिल हल्के से यूज़ किया है। देख सकते हो एक साइड में थोड़ा गैप है कैप का, ऐसा करके जितना भी जैसा एरिया है उतना को ऑब्जर्व करना पड़ता है। कैप का ये जो राउंड का जो सिलाई होता है उसका जो राउंड का है वहाँ थोड़ा ढाल टाइप का होगा, इसलिए वहाँ ज़्यादा डार्क कर देगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ दोनों कैप के मिडिल से जो बॉर्डर होता है सिलाई का, वो ध्यान से देखना वो कैसे ड्राइंग करता हूँ। दोनों बीच का ऐसे एक एक फोटो का एक एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कोई भी शेडिंग जितना आसान समझते हो उतना आसान भी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट भी नहीं है। क्या होता है, एक एक चीज़ को ध्यान में रख कर करना पड़ता है। हल्का वाला पेंसिल के ऊपर मैंने डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हो। ऐसे करके एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है, कैसा कितना डेप्थ एरिया है, कैसा लाइट का पोजीशन है। इस कैप को ड्राइंग करने में मेरे को 1 घंटा लग गया प्राय, मैंने स्पीड ज़्यादा किया है। देख सकते हो एक एक कैप का जो एक एक भाज है कैसे दिखाई दे रहा है। जहाँ थोड़ा थोड़ा ठीक से ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मेरा मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कैमरा होता तो अच्छा होता। देखो मैं कैसे दे रहा हूँ एक एक क्लोथ को, एक एक भाज को, जैसे कोई कपड़ा का जो भाज होता है ऐसे ही देखो। ऐसे एक एक चीज़ को तुमको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो डेली ड्राइंग करना चाहिए तो इसको ड्राइंग का आपका इम्प्रूव हो जाएगा। कैसे आउटलाइन ड्राइंग करते हैं, कैसे शेडिंग करते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा आसान नहीं, करने से पता चल जाएगा। और नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कैसे करते हैं। मैंने भी बहुत सारे ड्राइंग किया है, ऐसा भी एक ड्राइंग था मेरे को लगा मैं नहीं कर पाऊँगा, करते करते हो गया।
ऐसे ही तुमको भी हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होता है। कैप मैंने ड्राइंग कर लिया, तुम देख सकते हो। इस बार आइस का ड्राइंग पहले करूँगा। आइस का ड्राइंग करने से पता चलता है ड्राइंग कैसा बन रहा है, कैसा हो रहा है। तो आइस का मैं ड्राइंग करूँगा पहले, तुम देख सकते हो। ऐसा रूल, ऐसा स्टेप पूरा ड्राइंग में ऐसा ही रूल काम करेगा। जहाँ लाइट का है वहाँ हल्का, जहाँ लाइट ज़्यादा कम है डार्क एरिया वहाँ डार्क। ऐसा तुम समझ जाओगे तो वाटर कलर की भी ड्राइंग करोगे तो ऐसा ही रूल्स कम करेगा। इसके बाद पेंसिल का ड्राइंग छोड़ के जब कलर पेंसिल का यूज़ करूँगा तो ऐसा ही तुमको फ़ायदा होगा। तो ये समझ में आ जाएगा, पेंसिल स्केच ज़्यादा समझ में आ जाएगा तो दोनों वो दोनों चीज़ भी समझ में आ जाएगा कैसे करता है। कलर पेंसिल का थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ तुम ज़्यादा खराब हो गया तो इरेजर से मूझना पड़ेगा पड़ोगे। कि जब कलर पेंसिल का होगा वो थोड़ा ऐसा ना नहीं काम करता, जहाँ जैसा है वैसा ही देना पड़ेगा। थोड़ा भूल भी होगा तो उसका ज़्यादा डिफिकल्ट है। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे पूरा ड्राइंग होता है।